बात मौसम के मिजाज की करते हैं। देश के कई हिस्सों में रविवार को हुई बारिश और ओले गिरने से गर्मी से राहत मिली। इस तेज बारिश ने खासकर उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को शांत किया, तो वहीं कश्मीर में बर्फबारी ने तापमान फिर से गिरा दिया। इसके अलावा देश के एक दूसरे हिस्से में भीषण गर्मी से कैसे राहत मिली, मौसम से जुड़ी ये सारी जानकारी देखिए इस रिपोर्ट में। बारिश की तमाम तस्वीरें मौसम का रंग बदलता और कूल अंदाज पेश करने के लिए काफी हैं। जहां उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बारिश के साथ ओलाबारी ने धधकते जंगलों की आग को शांत किया, तो वहीं तपती धरती और गर्मी और उमस से परेशान महाराष्ट्र के कई इलाकों में तेज बारिश राहत का पैगाम लेकर आई। पिछले दिनों जंगलों की दावादल में तपते पौड़ी को झमाझम बारिश और ओलावारी होने से राहत मिली। ये वो समय है जब राज्य में चारधाम यात्रा का आगाज हो गया है। इस बीच मौसम विभाग ने भारी बारिश के साथ ओले गिरने का पूर्वानुमान भी दिया, जिसको लेकर प्रशासन ने खासकर यात्रियों से अपील की है कि वो सावधानी पूर्वक ही अपनी यात्रा करें। चारधाम यात्रा जारी है, ऐसे में तेज बारिश और ओले गिरने का सिलसिला चमोली जिले में भी देखा गया। बेशक जंगलों में लगी आग की चिंगारी बारिश की इन तेज बौछारों से खत्म हो गई होंगी, मगर यहां भी मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी को स्थानीय लोगों के साथ यात्रियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ओलों के साथ बारिश की तेज बौछारें पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी पड़ी। हमीरपुर जिले की ये तस्वीर है। अभी तक मौसम यहाँ गर्म था, मगर बारिश होने से तापमान में यहाँ भी गिरावट महसूस की गई। इसके अलावा रविवार शाम तक कश्मीर के कई ऊंचे इलाकों में फिर बर्फबारी हुई, जिससे यहाँ का तापमान भी गिर गया। सोनमर्ग और जोजीला पास में ताजा बर्फबारी ने घाटी की सूरत एक बार फिर से बदल दी। अचानक रविवार दोपहर में कश्मीर के पहाड़ी इलाकों पर एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला। मैं इस वक्त जोजिला दर्रे पर खड़ा हूं, जहां पर हजारों की तादाद में जो वाहन हैं वो फिलहाल फंसे पड़े हैं, क्योंकि आवाजाही के रास्ते में बड़ी बाधाएं आ रही हैं। दूसरी तरफ से इलेक्शन कमीशन का स्टाफ, जिसको लेह लद्दाख पहुंचना है, वो भी इसी बर्फबारी की चपेट में सड़कों पर फिलहाल फंसा पड़ा है। सोमवार को श्रीनगर संसदीय क्षेत्र में चुनाव, और ऐसे में राज्य के पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी चुनाव प्रक्रिया को कुछ हद तक ये बर्फबारी प्रभावित कर सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने सोमवार को मौसम साफ रहने के संकेत भी दिए हैं। उधर महाराष्ट्र के लातूर और नांदेड़ में तो तेज हवा के साथ हुई झमाझम बारिश ने हीट वेव के प्रकोप पर जैसे ब्रेक लगा दिया। यहां का तापमान 42 डिग्री के पार था, मगर अचानक हुई बेमौसम बारिश से तापमान गिरकर 31 डिग्री तक पहुंच गया। लातूर के अलावा मराठवाड़ा के हिंगोली में भी रविवार शाम के वक्त तेज हवा के साथ अचानक जोरदार बारिश हुई, जिससे भयंकर गर्मी और लू के थपेड़ों से जूझते यहां के बाशिंदों को बहुत हद तक राहत मिली। फिर चाहे इस बारिश ने घर से बाहर निकले लोगों की आवाजाही और काम को प्रभावित ही क्यों न किया हो। महाराष्ट्र के वाशिम में भी कई जगहों पर जोरदार बारिश ने तेज हवा के साथ दस्तक दी। लोगों को गर्मी से तो राहत मिली, मगर बेमौसम हुई ये बारिश फसलों को नुकसान पहुंचा गई। कुल मिलाकर जहां देश के पहाड़ी अंचलों में कहीं बारिश और ओलावारी ने धधकते जंगलों को शांत कर माहौल को ठंडा कर दिया, तो कश्मीर में तो मानो ताजा बर्फबारी ने बर्फीला मौसम फिर से बना दिया। वहीं देश के दूसरे कोने यानी महाराष्ट्र में जबरदस्त गर्मी का कहर झेल रहे लोगों को बारिश ने मानो ठंडक के रूप में नेमत बख्श दी हो। पौड़ी से सिद्धांत उनियाल, महाराष्ट्र के लातूर से अनिकेत जाधव, हिंगोली से दन्यानेश्वर उंडाल, वाशिम से जका खान और कश्मीर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।